हेलो एवरीवन आज हम यूनिट वन इंट्रोडक्शन टू कुकरी से एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन वन देख लेते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी इनमें से कौन सा है जो हमारी बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर करने में हेल्प करता है बच्चों प्रोटीन्स बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर करने में हेल्प करता है सो ऑप्शन सी प्रोटीन्स इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू ओन एप्लीकेशन ऑफ हीट कार्बोहाइड्रेट्स टर्न स्लाइटली ब्राउन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जब कार्बोहाइड्रेट पर हीट अप्लाई की जाती है तो वो ब्राउन कलर में बदल जाता है यह प्रोसेस कहलाता है बच्चों यह प्रोसेस क्रेमलाइजेशन कहलाता है सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री द परपज ऑफ कुकिंग फूड इज टू ब्रेक इट डाउन फ्रॉम इट्स बच्चों जो भोजन होता है उसको पकाने का जो पर्पज़ होता है उद्देश्य होता है वो यही होता है कि इससे जो भोजन होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में टूट जाता है जिससे वो हमारी बॉडी में इजीली जो उसको हमारी बॉडी होती है वो इजीली डाइजेस्ट कर सकती है सो ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विच विटामिन इज़ नॉट डेस्ट्रॉयड बाय कुकिंग तो विटामिन ए जो होता है वो कुकिंग के बाद भी डेस्ट्रॉय नहीं होता सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स का जो एक अच्छा स्रोत है वो क्या है कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों चावल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है सो ऑप्शन डी राइस इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सेसिव हीट कैन मेक द प्रोटीन आवश्यकता से अधिक ज़्यादा मात्रा में जो हीट है वो प्रोटीन को क्या बना देती है अगर किसी भी प्रोटीन युक्त प्रोडक्ट को ज़्यादा हीट दे दी जाती है तो बच्चों वो रबरी और चीवी हो जाता है सो so, रबरी एंड चीवी ऑप्शन ए एंड बी दोनों हो जाता है सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग फूड आर ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं भोजन को पकाने के क्या क्या महत्व होते हैं किस उद्देश्य से भोजन पकाया जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है टू मेक द फूड मोर प्लेटेबल प्लेटबल कहते हैं टेस्टी को भोजन को अधिक टेस्टी बनाने के लिए ऑप्शन बी दिया हुआ है इट किल्स द बैक्टीरिया यह बैक्टीरिया को मार देता है एंड कीप्स द फूड और भोजन को रखता है स्टेराइल स्टेराइल कहते हैं जीवाणु रहित और भोजन को जीवाणु रहित रखता है ऑप्शन सी दिया हुआ है यहाँ पर कुकड फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम पके हुए भोजन को अधिक समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है सो ऑल ऑफ दीज ये सभी ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट फैट्स प्रोवाइड्स फैट क्या क्या प्रदान करता है जो फैट होता है बच्चों वो हीट और एनर्जी देता है सो ऑप्शन सी हीट एंड एनर्जी बोथ इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन वैन वैन हीट इज अप्लाइड ऑन प्रोटीन इट कोग्यूलर्स फ्रॉम ओपैक द प्रोटीन बिकम इन कलर किस कलर में हो जाता है प्रोटीन जब उस पर हीट अप्लाई की जाती है तो प्रोटीन जो होता है वो वाइट कलर में बदल जाता है सो ऑप्शन बी वाइट इज द राइट आंसर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हीट देयर आर हीट के कितने प्रकार होते हैं बच्चों हीट दो प्रकार की होती है Moist heat and dry heat. So, option A2 is the right answer. Thanks for watching. Thank you. Thank you.